तो साथियों अब जो आपके सामने आ रहे हैं ये हैं गौरव दुबे और केतन। ये बड़ा एक मजेदार एक्ट है, मैं इसके बारे में कुछ बोलूंगा नहीं, आप खुद देखिए। जल्दी जल्दी सेटअप लगाया जाए। माय गॉड, सारे कॉमेडियंस को देख के मेरी हंसी निकल गई। कपिल कपिल कपिल, हाय हाय, इट्स बीन लॉन्ग, लुक एट हिम, सो फिट, आर यू? एब्सोल्युटली। ओह माय गॉड, राजीव, दो दो राजीव। मुझे आपका ठाकुर और निगम दोनों पसंद है। ओह माय गॉड, अलबेला जी आपका मुंह कहाँ है? ओह माय गॉड, डिड यू नो वीआईपी का नाम इज विजय, ही इज सिटिंग विद जयविजय। माय गॉड, इतनी सारी आवाजें विद परफेक्शन निकालता है केतन सिंह, सल्यूट टू हिम। ऑल राइट, सो टुडे आई लाइक टू टेल यू दैट इट्स अ ऑनर दैट आई एम हियर फर्स्ट ऑफ ऑल, बट टुडे आई एम हियर टू डू माय कॉफी वाला शो, कॉफी विद चूरन। क्योंकि कॉफी तो मैं पिलाता ही हूँ, साथ में बातों की चूरन भी देता हूँ। नाउ सो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना इंट्रोड्यूस माय गेस्ट, my guest who's a brilliant performer, he's a great artist, also a politician, but he has also got a lot of ego and attitude according to Tiwari. Let me introduce Ravi Decision ji. Ravi aankh mein laga ke gore lens neela neela अद्भुत, अद्भुतास, अद्भुतम, जिंदगी घमंडवा, फिर भी घमंडवा, ए बाबू ऐसी कंबर हमको लगे ठंडवा। माय गॉड, ठंड ठंड घमंड, कोई देना दे आपको दंड। ऑल राइट, the dund is still playing everywhere. Now let's put you on this couch and start brewing some nice gossipy spicy talks about the industry, about your industry and about every industry. Ele bicho thad babu pati aate rahoge, baithne ko bhi puchoge. Main wahi to keh raha hu, take a seat. Ha to babu aise khade ho gaye, puchoge to kaise malum chalega baithne ke liye puch rahe ho. Babu, use your body language. What? Yeah, this is young. All right. Now let's Oh yes. What is this? Start. Play, play, play karo, huh? Now let's start the show. Yeah. आपको यहाँ पर आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बाबू तकलीफ किस बात की बाबू, क्यों क्यों तकलीफ बाबू? Okay. दादर से 2:45 की सुपर फास्ट चप्पल पहन के आए। Wow. Oh my God, चप्पल so cheap. लेकिन आपने तो जूते पहने। बाबू जिनका चप्पल था उनको वापस कर लिया और अपना जूता उनसे ले लिया। Aren't you still after कुछ कुछ होता है चप्पल्स? I'm the fashion police. No more chappals for you. I'll send you the ballerinas I got from New York. Now, yeah. रवि जी आप बचपन से ही ऐसे रहे हैं या फिर बड़े होने के बाद आपने ऐसी बचकांड हरकतें शुरू की? बाबू ऐसी बात नहीं, हम बचपन से ही ऐसे थे। तो छोटे थे तो क्यूटनेस में निकल जाता था, लेकिन जब हम बड़े हुए तो हमने बचकांड हरकतें की तो लोग मुंह फेरते गए और कारवा बनता गया। Now, this brings us to the most exciting part of our show, which is when I ask questions which are very consecutive, very rapid, and you have to answer them quickly. Are you ready for that? Babu, batiyate rahoge, rapid fire bhi khelloge. Main wahi to keh raha hu ki rapid fire round. Khelne ke liye tayyar? To babu, use your body language. Kaise? Rapid fire round.
All right. Okay, let's begin. आपका सबसे पहला क्वेश्चन, आपका फेवरेट कॉमेडियन कौन है? सुरेश अलवेला. आपको उनमें क्या अच्छा लगता है? कुछ नहीं बाबा. Wow. नहीं, I mean to say, सोच के देखिए, कुछ तो अच्छा लगता होगा. कुछ नहीं बाबू, कपिल शर्मा बेस्ट. चापलूसी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अगले जन्म में आप अर्चना पूरन सिंह बनकर जन्मे तो आप क्या करेंगे? बाबू हम जन्म ही नहीं लेंगे. बहुत बढ़िया. क्या बात है. और अगर जन्म ले लिए तो वापस पिछले जन्म में चले जाएंगे, चाहे ऑटो कितना भी भाड़ा लगे. Anyways, you have done the rapid fire round brilliantly, which is why you win this brilliant hamper. इसमें क्या है? दो सोने की चेन, एक हीरे की अंगूठी and the latest my phone. इसमें से आप कुछ भी डाल सकते हैं, ये खाली है. बहुत बढ़िया. वाह. Very good. वाह. बाबू ये तो श्री श्री वीआईपी के दिमाग की तरह खाली निकला. That's the end of our show. There we had some brilliant conversation over the coffee with Ravi Decision Ji. Now he has to go for a morning walk. That's why we are ending this show. Thank you so much. Babu, batiyate raho ki show bhi khatam karo, unko morning walk pe jana hai. Main wahi to bol raha tha, show khatam bhayal, tu ja sake la kahin ya baith ke hamara dimag chahta tha. Bahut badhiya. Bahut badhiya Ketan bhai. Bahut badhiya Babu. Babu. Use your body language. My morning walk has started. क्या बात है दुबई. सुपर सुपर गौरव, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. केतन माइंड ब्लो ब्रो. सुपर केतन, क्या बात है मेरी जान. वेल डन केतन. मैं बुलाना चाहूँगा हमारे भाई जय विजय सचान को, बड़े ही उम्दा कलाकार हैं भाई, आइए प्लीज मंच पे. मैं कुछ सुनाता हूँ आपको, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा. त्रिपाठी जी आजकल बहुत फेमस हैं, आपको पता है. जी जी. उनका जीवन बदल दिया अर्चना जी ने. तो एक बार वो गए, सब लोग स्टार्स वगैरह खड़े, तो बोले जीवन में बहुत बदलाव आ गया है हमारे. अर्चना जी से कल हमारी मुलाकात हुई थी. हमसे कह रही थी, पंकज तुम्हारा जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन तुम्हारा धंधा भी बदलना चाहिए, बहुत जरूरी है ये. कहीं जो है खेल वगैरह में भी बिजनेस में हाथ आजमाओ. हमने कहा लूडो, खो खो, कबड्डी, सांप सीढ़ी का बहुत अनुभव है, बहुत टीमें खेलती हैं हमारी. इन्होंने कहा कि क्रिकेट की टीम बनाओ. आपके कहने से क्रिकेट की टीम बना ली है हमने. मुन्ना भाई जो जो आ रहा है भेजो, कौन कौन है सबको देखते हैं, भेजो. सबसे पहले ऋतिक आते हैं और आके बोलते हैं, आई मीन पंकज सर, आई मीन व्हाट आर यू डूइंग. आई मीन आपने मुझे बताया नहीं, आपने अपनी क्रिकेट की टीम बनाई है, दिस इज नॉट डन. आप मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? बहुत बढ़िया. व्हाई? बेटा देखो, तुम थोड़ा सा लेट आए हो, टीम हमारी बन गई है, ठीक है ना, अगले साल आना. नो, आप कंफ्यूज हो रहे हैं. मैं यहाँ पर प्लेयर बनने के लिए नहीं, अंपायर बनने के लिए आया हूँ. अनुभव है कोई आपको? यस, अनुभव है ना मुझे, ये देखिए. इट्स अ फोर, इट्स व्हाइट बॉल. भाई ऐसा छक्का हमने पहली बार देखा है. नो, आप कंफ्यूज हो रहे हैं. ये देखिए, ये छक्का ही है. काफी इंटरेस्टिंग आदमी लग रहे हो. यहाँ साइड में बैठो, तुम्हारा इंतजाम करते हैं. मकबूल ले जाओ भाई इन्हें, ले जाओ इन्हें. कैसे ये बैठे हुए थे मैम, पीछे से पीयूष जी आए. बोले वक्त जो है बदल चुका था, हालात वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे, अचानक से ही जमाना बदल गया. जितने भी लोग हैं, रे ये कोई क्रिकेट की टीम बना रहा है, कोई कबड्डी की टीम बना रहा है, रे साले. लेकिन रे साले,
लेकिन वक्त और हालात से जो है ना हमने कभी समझौता किया है ना करेंगे। वहाँ बच्चन साहब के लड़के की भी अपनी टीम है और शाहरुख की भी टीम है और यहाँ सबकी टीम है। अरे हमें लगता है कि मुझे भी अपनी टीम में मैनेजमेंट का काम दे दो। देंगे, जरूर देंगे। लेकिन आप लग रहा बहुत जल्दी में हैं। आराम से जो है कुछ खाइए पीजिए, बैठिए, सांस फूल जाती है इससे, बैठिए। सबसे पहले आपको मिलाते हैं हमारे कोच से। अब इन्होंने कोच रखा था सर हमारे पड़ोसी मुल्क वाले इमरान को। अच्छा, वाह वाह वाह। अब वो आए और आके बोले, देखे जी, वाह 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 वाह, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। वाह वाह वाह, बढ़िया। आपने एक बात समझनी है, आपने मैदान में जाके एकदम ब्लास्ट कर देना जी, आपने परखच्चे उड़ा देने। अब सोचिए इनकी ऐसी टीम है तो इनका मैच कैसा होगा। अब इनके जो कुलभूषण जी है वो कमेंटेटर और बच्चन साहब भी कमेंटेटर है। अच्छा। कुलभूषण जी बैठे हैं कमेंट्री बॉक्स में, बोल रहे और यहाँ पे दर्शक दीर्घा में दर्शक खचाखच भरे हुए हैं। टीम को जीतने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा। हालत कभी भी नाजुक हो सकते हैं। बॉलीवुड वाले लगातार आउट होते चले जा रहे हैं। अजय जी यहाँ पर खड़े हुए, नवाज उस तरफ खड़े हुए और लगातार पांच गेंदों में गेल ने डाली और वो पांच ही पांच गेंदे ऐसे खेल के चले गए, एक भी शॉट नहीं मारा। अब अजय जी एकदम गुस्से में नवाज के पास गए। क्या कर रहा है नवाज, क्या कर रहा है नवाज, इतनी बोले लगातार तेरे पास आ रही है, पूरा का पूरा ओवर तूने बैटे निकाल दिया, मारता क्यों नहीं? अरे ऐसा कैसे मारेगा साला, गेंद को देख रहे लग कैसा आंधी की स्पीड में फेंक रहे, कहीं गलत एड्रेस पे लग जाएगा तो अपना तो एड्रेस चेंज हो जाएगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।